बक्सर जिले में ज़्यादातर किसान जो है धान की फसल काट चुके हैं और धान अभी भी उनके खलिहान में पड़े हैं। वो परेशान हैं क्योंकि सहकारिता द्वारा पैक्स के द्वारा उनकी धान की खरीद नहीं हो रही है। बार बार जिला प्रशासन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पैक्स जो है किसानों की धान खरीद रही है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हम बता दें कि ग्राउंड पर जो किसान अपना धान रखे हैं या तो मजबूरी में वो अपने धान व्यापारियों को बेच रहे हैं या फिर औने पौने दाम में किसी को बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि पैक्स और सहकारिता की जो रवैया है उससे किसान परेशान है। आपको बता दें कि प्रशासन बार बार दावे कर रही है कि हम बहुत आसान तरीका कर दिए हैं और सारे किसान अपने धानों को पैक्स में बेच सकते हैं। किसान जो है लगातार साइबर कैफे का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि किसानों के पास वो संसाधन नहीं है कि खुद से रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो वो साइबर कैफे पर डिपेंडेंट है और साइबर कैफे वाले बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो जा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, पोर्टल काम नहीं कर रहा है, और इसी वजह से किसान जो है परेशान है। आपको बता दें कि सबसे पहले जब चुनाव होना था तो सारे राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे सत्ता हो विपक्ष, सबने किसानों के नाम पर राजनीति की थी और सबने यही कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का बात करेंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और यही बात विपक्ष ने भी कहा था। इसी वजह से राजद जैसी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और किसानों ने भरोसा जताया था कि सरकार बदलेगा। सरकार तो नहीं बदला, लेकिन बहुत सारे विधायक बने, बहुत सारे नेताओं की किस्मत बदली और वो नेता जिन्होंने किसानों के नाम पर वोट पाया, वो नेताओं ने कई बार सड़क पर आने का वादा तो किया लेकिन किसानों के लिए मजबूती से नहीं खड़े रहे। राजपुर विधानसभा के विधायक विश्वनाथ राम हम जिनके यहाँ मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार किसानों के मुद्दे पर ये बात कहते रहे और इन्होंने यहाँ तक कहा था कि जब धान नहीं खरीदी जाएगी तो हम कलेक्टर का कार्यालय भी घेरेंगे और दबाव बनाएंगे। एक सांकेतिक धरना जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से किसानों का धान खरीदा जाना चाहिए वो नहीं खरीदा जा रहा है। विधायक जी बगल में ही है तो हमने सोचा कि हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। किसानों की जो समस्या है इसे हम अवगत हैं और प्रतिदिन शिकायतें जो किसानों की समस्या है, धान खरीद नहीं हो रहा है और धान उसका खलिहान में पड़ा है, ये सारी समस्या से हम अवगत हैं। प्रतिदिन किसान मुझे कहते हैं, मैंने भी कहा था कि मैंने इसकी किसानों के हित में जो केंद्र सरकार द्वारा 3 काला कानून लाए गए हैं उसके विरुद्ध में हम लोग सदन से लेकर सड़क तक अपनी आवाज़ को रखेंगे। हमने इस कार्यक्रम को धनसोई में धरना प्रदर्शन किया था, अभी 2-3 कार्यक्रम हम लोगों किसानों के 3 काला कानून के विरुद्ध में हम लोगों ने किया है, लेकिन आने वाले समय में यदि बिहार सरकार और केंद्र सरकार नहीं सोचती है तो हमें मजबूरन सड़क पर उतरने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। सर आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इसका फलाफल क्या है, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है सर? अभी तक कल परसों मैंने जिलाधिकारी से बात किया, जिलाधिकारी ने कहा, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो 137,000 हमारे यहाँ किसान हैं जो रजिस्टर्ड किसान हैं, लेकिन जो खरीद का जो लक्ष्य है मात्र 6,000 लोग ही आवेदन दे पाए हैं, तो ऐसे में मैंने स्पष्ट तौर पे कहा जिलाधिकारी से, इस केवल बनिया है वो किसान नहीं है, किसानों का धान खरीदने का जो लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा जो निर्धारित है और उचित मूल्य है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने इसे इनकार किया, कहा कि ऐसा नहीं है, जब मैं जो लक्ष्य है हम लोगों का धान खरीदने का वह अगले साल की अपेक्षा इस साल अधिक हो रही है, हमने जो लक्ष्य है और आने वाले कुछ दिनों में जो हमने जो जिला में धान खरीदने का लक्ष्य है उसे पूरा कर लेंगे। मैंने कहा कि कागज़ फॉर्म पूरा हो रहा है, किसानों का धान आज भी खलिहान में है, आप चलिए और आप अपने स्तर से और मैं नहीं तो मेरे साथ चलिए सभी गाँव में खेतों के खलिहान में देखिए कि सभी किसानों के धान अभी भी खलिहान में हैं। बिल्कुल, आपने जो लक्ष्य की बात करी, हो सकता है कि ये प्रशासन लक्ष्य पूरा कर ले, क्योंकि ज़्यादातर धान बेचने वाले वो लोग व्यापारी जो है किसानों से धान खरीद रहे हैं और पैक्स सेटिंग करके धान वहाँ पर दे दे रहे हैं, तो गोदामों में धान तो दिखाई दे दे रहा है, लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो जेन्युइन किसान है वो अपना धान नहीं बेच पा रहा है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, पोर्टल काम नहीं कर रहा है, उसकी वहाँ पहुँच नहीं है और सारा सुविधा उसको खुद किसान को ही मुहैया कराना है, बोरी से लेकर, गाड़ी से लेकर, भाड़ा से लेकर, तो किसान इस चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएगा, तो सरकार का लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा लेकिन किसान का हित कैसे होगा सर? किसान के हित के लिए मैंने जिलाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी से बात किया है कि सभी जो धान में किसानों के धान जो खलिहान में पड़े हैं उसका उठाव आप किसी तरह करिए, हमारे किसानों के धान खलिहान में रहेंगे तब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सभी किसानों को गांव का नाम बताइए, मैंने कहा मेरे क्षेत्र में 400 गांव आते हैं और 40 से ऊपर पैक्स हैं,
तो मैं किसी का नाम ना लेते हुए मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उतने किसानों का नाम लेना मेरे बस में नहीं है, लेकिन आप अपने स्तर से जिला प्रशासन तंत्र का और सहकारिता से पैक्स के माध्यम जो भी आपका तंत्र हो उस माध्यम से आप जो भी किसानों के धान खलिहान में पड़े हैं सभी किसानों का धान आप उचित मूल्य पर, जो बिहार सरकार का नीति निर्धारित है उस उचित मूल्य पर किसानों का धान आप खरीदें। कोई डेडलाइन होगा सर, जब तक मतलब 1 लाख से ज़्यादातर किसान है, 50,000 भी किसानों का धान बिक जाए, इसके लिए कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी विपक्ष ने भी तैयार किया है? कोई डेडलाइन है कि कब तक ये होता संभव दिखाई देगा? अभी तक तो कोई कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पार्टी द्वारा जो हम लोगों के जो किसानों की समस्या है पार्टी द्वारा कार्यक्रम जो आएंगे और पार्टी के बाद भी जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं उनकी भी जो बातें आएंगी किसानों की समस्या को लेकर हम सड़क पर उतरने को तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि पार्टी का जो निर्णय जल्द आए ताकि मेरे क्षेत्र में जो किसान बहुल इलाका है और सभी केंद्र निर्भर किसान पर ही निर्भर है, खेती पर ही निर्भर है, मैं चाहता हूं कि जल्द कोई हमारा गठबंधन जो महागठबंधन निर्णय है जल्द ले ताकि हम उसमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हों और किसानों के हित में लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मतलब आपकी जो पार्टी है ऊपर से आपको मजबूर करेगी तब किसानों के लिए आप सोचेंगे? नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं तैयार हूँ, लेकिन यदि 2-4 दिन के अंदर यदि ऐसा निर्णय नहीं आता है तो मैं मजबूरन अपने क्षेत्र में राजपुर प्रखंड को घेरने का काम करूंगा। दर्जनों किसान सर आपके यहाँ आते हैं डेली, प्रतिदिन इसको चर्चा भी करते हैं इस चीज़ों को लेकर के, आप किसानों को क्या जवाब देते हैं सर? मैं उनकी समस्या जो आती है तुरंत जिलाधिकारी से, DCO से, DCO से मैं बात करता हूँ। वो कहते हैं कि सर पूरा कर लिया जाएगा, अभी आप सामने देख रहे हैं कि सभी किसान बैठे हुए हैं और किसानों की समस्या ही इस समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने सारा काम छोड़ के किसानों का मुद्दा ही अपने एकमात्र अपनाया है ताकि सभी हमारे किसानों का धान जो खेत के खलिहान में है वो उठ जाए, लेकिन अभी तक जो सरकार आनाकानी कर रही है, जो अभी तक पैक्सों को बहुत सारे पैक्सों का बहाना बनाती है कि पैक्स डिफाल्टर है या वो है वो है, 17 तरह की बहाने बनाती है, लेकिन मैं इस बहानों में न जाते हुए मैं सीधे तौर पर किसानों के हित की बात करता हूँ। हमारे सभी किसानों को किसानों का धान जो खलिहान में है उसको तुरंत बिहार सरकार उठाने का काम करे। आखिरी सवाल सर, जो पैक्स के लोग जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि हम लोग जो धान ले रहे हैं तो उसमें हमें निर्देश है कि जो ज़्यादा दर जिसमें चावल निकलेगा उसी धान को खरीदना है ऊपर से, क्योंकि लोग फिर FCI को जो चावल देना होता है तो पैक्स को उसमें उचित दर पे देना होता है, 67 KG डिमांड है या 50-55 ज़्यादा का। लेकिन जो महीन चावल है, सोनाचूर हुआ, कतरनी हुआ, जिन किसानों ने इन धान का रोपण किया है या इन धान को पैदा किया, वो लोग अपने धान को नहीं बेच पाएंगे क्योंकि पैक्स वाले इसको लेने से मना कर रहे हैं। जो बिहार सरकार के द्वारा जो नीति बनती है वो नीति में कहीं सोनाचूर कतरनी की बात नहीं कही गई है। जो नीति पहले से बनी है कि सभी किसानों का उचित मूल्य 1800 कुछ रुपये है, उसी मूल्य पे यदि किसान हमारे धान सोनाचूर भी बेचने को तैयार हैं तो किसान मजबूरन किसानों का धान खरीदना किसी भी सूरत में बिहार सरकार को चाहिए। लेकिन अब जब हमारे किसान लाचार हैं जो महीन चावल अपने आप को रोपते हैं खाने के लिए, लेकिन वो उनकी समस्या जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो आर्थिक तंगी से शिकार होते जा रहे हैं, इस मजबूरन में किसान यदि अपना जो महीन चावल जिसे हम लोग कहते हैं भोजपुरिया भाषा में जो कतरनी हो सोनाचूर हो उसे उचित मूल्य पर बिहार सरकार खरीदने में तुरंत इसमें सक्षमता दिखाए ताकि सभी किसानों का धान सही समय पर खरीदा जा सके। तो ये है कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और किसानों की बातों को लेकर, किसान के मुद्दों को लेकर के चर्चा करी थी, और उसमें एक डेडलाइन दिया गया था कि हम लोग अभी आंदोलन शुरू कर रहे हैं, लगातार आंदोलन करेंगे अगर सरकार धान नहीं खरीदती है। लेकिन अभी भी हालात वही है कि धान नहीं खरीदे जा रहे हैं, जिला प्रशासन की जो भाषा है वही भाषा विधायकों की भी बन चुकी है, विधायकों को लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है।